पोहरी बैरार में संयुक्त रूप से कांग्रेस ने मनाया कन्या पूजन कार्यक्रम। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर शुक्रवार को संयुक्त रूप से पोहरी बैराड ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा एक दिवसीय उपवास रख कन्या पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम बैराड में सक्सेना मैरिज गार्डन पर किया गया, जहां भारी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम के प्रारंभ में कांग्रेस नेताओं ने कन्या पूजन किया और उनके पैर धोए, इसके बाद उन्हें भेंट भी प्रदान की। इस अवसर पर ब्लॉक अध्यक्ष आफाक अंसारी ने कहा कि प्रदेश भर में भाजपा सरकार की निष्क्रियता से बालिकाओं पर अत्याचार हो रहे हैं। सरकार महिलाओं हो रहे अत्याचारों को रोकने में विफल हो चुकी है। सरकार की नाकामी के विरोध में कन्या पूजन कर कन्याओं के हल्दी से पैर धोकर उन्हें दक्षिणा भी प्रदान की गई। पोहरी से धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। आज आपके द्वारा बेटी बचाओ अभियान के तहत ब्लॉक स्तरीय उपवास में कन्या पूजन कार्यक्रम किया गया है, क्या कुछ कार्यक्रम है? देखिए, आज हमारे मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय जीतू पटवारी जी के आह्वान पर संपूर्ण मध्य प्रदेश में और हमारे शिवपुरी जिले के पौरी विधानसभा में एक कन्या पूजन एक कार्यक्रम करके, जिसमें हमने उपवास भी रखा, कन्याओं का पूजन भी किया गया और कन्याओं का भोज भी कराया, जिसमें आज मध्य प्रदेश में फैल रही कुरूतियाँ, चाहे महिलाओं पर अत्याचार हो, बालिकाओं पर अत्याचार हो, भाजपा कहीं ना कहीं इनको खत्म करने में विफल हुई है। चारों ओर हाहाकार मचा हुआ और महिलाएं हमारी त्रस्त है। इसी को देखते हुए नवरात्रि के उपलक्ष्य पर आज आखिरी दिन है और आज आखिरी दिन में हम सारे समस्त कांग्रेसियों ने इकट्ठे होके पौरी एवं बैरार ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं ने कन्या भोज और कन्या पूजन किया और एक संकल्प लिया कि जिस तरीके से भाजपा विफल रही है, हम महिलाओं के साथ, बालिकाओं के साथ खड़े हुए और इन पर अत्याचार नहीं होने देंगे। कांग्रेस हमेशा इनके साथ खड़ी है।